नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिक्किम की राजधानी गंगटोक में और हम लोग जा रहे हैं विधानसभा के बिल्डिंग के और सुबह मॉर्निंग मार्केट खुलानी मॉर्निंग बाग पर। तो हमें पता चला है कि इस रोड पर अभी जो है एक विधानसभा आने वाली है। मैं और गौरव भाई लगभग सुबह के बज चुके हैं 7:30। गुड मॉर्निंग गाइस। एंड आज हम लोग सिक्किम की राजधानी जो गंगटोक है उसका सिटी टूर करने वाले हैं। तो अब हमें भी नहीं पता क्या क्या, लेकिन देखते हैं। आई थिंक 10 से 15 कुछ टूरिस्ट स्पॉट प्लेस हैं, उनको हम लोग आज विजिट करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा। तो गाइज, ये इस रोड पर अभी आप लोग देख रहे हैं हम लोग आए हैं और सामने मेरे गेट लग रहा है सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, और इस रोड पर है ये गेट है। सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें केवल 40 मेंबर हैं। नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम हो गया आपका, और आपका मेघालय, मिजोरम, इन सब में 40 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा सीट एक है। और हम लोग अभी इसके गेट के बाहर खड़े, अंदर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन बाहर आप फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पर एक वॉल पे भी लिखा है सीधा सीधा सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और नीचे जाते हैं मार्केट MG रोड पर। और अभी तो देखते हैं सुबह सुबह खुला है नहीं खुला है सुबह के, क्योंकि अभी 7 ही बज रहे हैं और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और यहाँ पे देखो सिक्योरिटी वगैरह का इतना भी कोई वो नहीं है, लेकिन एक सर है यहाँ पर, उन्होंने कह दिया था कि आप बाहर जो है फोटो खिंचवा लेना, वो बाहर वीडियो बना लेना, उससे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइज, हम लोग आ गए थे नाश्ते के लिए, जलेबी खा रहे हैं। भैया भागलपुर से हैं और अभी हम लोग पूड़ी खाएंगे पहले, ठीक है। भैया गरम गरम पूड़ी बना रहे हैं भाई। तो भाई कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? 2 साल हो गए भैया को। ये एक स्ट्रीट है यहाँ पर हम लोग जहाँ घूम रहे थे। ओ भैया पुराने गाने सुन रहे हैं सुबह सुबह, मतलब क्या क्या कहना चाह रहे हैं ये, क्यों करो भाई? गाइस, हम लोग सिक्किम की एक लोकल मार्केट में घूम रहे हैं और यहाँ पर एक लोकल शॉप है, सारी स्ट्रीट एक बिल्डिंग है पूरी, यानी कॉम्प्लेक्स टाइप का माल रोड के नीचे है। हाँ, माल रोड के नीचे, और इसी कॉम्प्लेक्स में हम लोग घूम रहे हैं। इसके ऊपर जो है वो है, क्या बोलते हैं, MG रोड। इसके इन फ्लोर के ऊपर कहाँ यार MG रोड? नहीं, थोड़ा सा और इसके ऊपर तो वो है ना कपड़े वाली मार्केट। हाँ। हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें खरीद ली हैं। ये लिए हैं कुछ पेंटिंग्स हैं इसके अंदर, और कुछ मैंने कपड़े भी लिए हैं यहाँ पर। ये मार्केट है और हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं। गौरव भाई क्या ले रहे हो? ठीक है, ले रहा हूँ अपनी न्यू बाइक के लिए। मेरी गाड़ी के लिए भी ले लो एक। अभी गाड़ी लो? हाँ, ये रेड। तो गाइस, हम एक शॉप में आए, काफ़ी अच्छी शॉप है, इससे हम कुछ खरीदारी करते हैं। फ्रेंड्स, एक हम लोगों को बुद्धिस्ट धर्मगुरु मिले हैं इसी दुकान में, हम शॉपिंग कर रहे हैं। तो कुछ इनसे पूछते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, क्या उसके बेसिक सिद्धांत हैं, क्या क्या जानकारी है। तो गौतम बुद्ध के बारे में कुछ बताइए। गौतम बुद्ध, लॉर्ड बुद्ध, गौतम बुद्ध लुम्बिनी जागी फूंपड़ी। हिंदी नहीं आता? बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या हैं? 5 सिद्धांत। कौन कौन से? मॉन्क बनने के लिए क्या करना पड़ता है? बुद्धिस्ट धर्म गुरु बनने के लिए क्या धर्म बंदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ता है। तप और पूजा, तपस्या, योगा। कितने घंटे, कितने दिन? योगा तो 3 वर्ष से 6 महीना, 3 दिन डेली। सबसे ज्यादा कहाँ पर? 12 बजे खाना खाता है। मासूम मासूम नहीं खाई है, ओनली वेज। वेज। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं सिक्किम गंगटोक को एक्सप्लोर करने। 10 बिगीज भाई, बिगीज हमारे यहाँ पर पिज्जा भी चलता है, बिगीज के रेस्टोरेंट भी है, लेकिन ये 10 पॉइंट हमें करा रहे हैं 1500 रुपए में, ठीक है। एंड गौरव भाई थोड़ी टेंशन में, इनकी कुछ पर्सनल टेंशन हो गई है। बढ़िया है, सब कुछ मजा आ रहा है, फुल होना।
भाई बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि इनके साथ कुछ कांड हो गया अभी पटना पटना जुडिशियल लोअर और ये हमारे सिक्किम असेंबली है भाई, यहाँ पर ये देख सकते हो ना, ये आपका विधानसभा है सिक्किम की, ठीक है। इसमें ज्यादा पार्लियामेंट ज्यादा सॉरी मेंबर नहीं है, 40 ही आते हैं, 40 में 10 ही आते हैं, इसलिए ज्यादा रही चाय पीना बंद। बाकी अपने भाई म्यूजिक बंद कर दो, कॉपीराइट लग जाएगा यार। सॉरी मत बोलो, कोई नहीं चलेगा, एवरीथिंग चलेगा यहाँ पर। तो गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं, पहला हमारा पॉइंट है गणेश टोक, ठीक है। तो गणेश टोक जा रहे हैं, ये कैप मेरा है, जबरदस्ती मैंने पे कर चुका उसका, काउंट नहीं कर सकता, मैंने पे कर चुका हूं। हम लोग पहले गणेश टोक जा रहे हैं, वहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को कुछ। तो गाइस हम लोग हनुमान टोक जा रहे हैं, अभी यहाँ से 1.5 किलोमीटर रह चुका है और वेदर आज की अच्छी हो रही है, बादल हो रहे हैं, बारिश का भी कुछ पता नहीं है। तो गाइस हम लोग हनुमान टोक आ चुके हैं, नीचे से टैक्सी हमारी वहाँ खड़ी हुई थी। तो गाइज ये है हनुमान टोक मंदिर का प्रांगण, काफ़ी अच्छा लगा, टूरिस्ट में और गौरव भाई हैं। बाकी यहाँ पे मान्यता है कि जब लक्ष्मण जी घायल हो गए थे रामायण काल में, तो जब वो संजीवनी लेके आ रहे थे तब यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था इसी स्थल पर, यहाँ पर इसीलिए इसका नाम हनुमान टोक रखा, इसलिए इसका नाम जो है हनुमान टोक है, ठीक है। बाकी हम चल रहे हैं अब दूसरे टूरिस्ट प्लेस पर, हनुमान टोक, भगवान हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम लोग खा रहे हैं मसाला डोसा, यहाँ से ऑर्डर करें और ये है 80 रुपये का। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं गणेश टोक और यहाँ से गंगटोक सिटी का व्यू भी देखेंगे, पहले गाड़ी पार्किंग में लगा देते हैं क्यों भैया, एकदम सर एकदम सर एकदम। तो ये मंदिर है और इसके ऊपर जाएंगे और गंगटोक सिटी का व्यू दिखाते हैं आप लोगों को, और फिर यहाँ से हम कहाँ जाएंगे भैया नेक्स्ट पे, यहाँ से हम लोग जाएंगे फिर चलिए एक बार भी चलते हैं। गाइस गणेश टोक मंदिर है सामने, आप लोग दर्शन कर सकते हैं भगवान गणेश जी के, एंड आप लोगों को कुछ व्यू दिखाता हूँ जरा। सिक्किम सिटी व्यू एंड बादल, और ये देखिएगा आप लोग, लेकिन पेड़ों की वजह से कुछ देख नहीं पा रहा है, बाकी इधर से देखते हैं। तो गाइस हम नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पर आ गए हैं जिसका नाम है प्लांट कंजर्वेटरी, और इसके अंदर हम लोग जा रहे हैं। टिकट कितने रुपए का है? 20 रुपए का टिकट लिया है हम लोगों ने यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से हम लोग जाएंगे यहाँ पर। भाई साहब जरा दो टिकट दे दो, मैं आपको दो टिकट देता हूँ, लो टिकट दो। तो गौरव भाई से दो टिकट ले रहे हैं, 20 रुपीज़ ईच, ओके ओके। एंड रास्ता ये जा रहा है 300 मीटर बता रहे हैं यहाँ से, ये कैफेटेरिया लेकिन बंद है बाहर कुछ। गाइस 20 रुपए में बहुत बड़ा वाटरफॉल मिला है हम लोगों को, और इतना बड़ा वाटरफॉल हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, ठीक है। तो काफ़ी टूरिस्ट काफ़ी सेटिस्फाई हैं। बाकी हम लोग अब नीचे जा रहे हैं, तो चलते हैं फिर यहाँ से। गाइस तीसरा ये वाटरफॉल है हमारे इस सिक्किम गंगटोक एडवेंचरस का, इसका नाम हमें पता नहीं बट काफ़ी अच्छा है, और टूरिस्ट तो मैं और गौरव भाई हैं और कुछ नहीं, लेकिन बाहर का व्यू देखो आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताओ कैसा लग रहा है आप। गाइस आगे एक नया कोई व्यू पॉइंट है, देखते हैं ऊपर है क्या। गाइस ये है रंगीत रिवर, और रंगीत रिवर वेस्ट बंगाल और सिक्किम में बॉर्डर बनाती है, तीस्ता की सहायक नदी है, ठीक है। और कुछ व्यू ऐसा है, शाम के कितने बज चुके हैं, शाम के बज चुके हैं 4:35, कितने बजे तक पहुँच जाएंगे हम लोग, 6:30 7 बजे तक हमें पहुँचना है, पता है कहाँ पर, देखो यहाँ पर पहुँचना है, देखो ये देखो, देखा सिलीगुड़ी 76 किलोमीटर, 2 घंटे हमें लोगों को लगेंगे। कोलकाता भाई 662 किलोमीटर है भाई, कोलकाता वालों अब सीधा निकल रहे हैं यहाँ से, और कुछ इस तरीके की गाड़ियाँ जा रही हैं। और एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पर पहले सिक्किम के हमने क्योंकि टैक्सी करी है, तो सिक्किम की टैक्सी है तो इन लोगों को पहले परमिट लेना होता है भैया, तो बिना परमिट के यहाँ पर कुछ नहीं होगा बिकॉज परमिट तो हर स्टेट में चाहिए होता है। एंड एक चीज़ और है कि सिक्किम जो है इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कई बार क्लास में भी, अभी भी बता दे रहा हूँ। और सिक्किम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर 35 के तहत 1975 में भारत का जो है पूर्ण राज्य का इसको दर्जा दिया गया था, ठीक है। अभी वर्तमान में जो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पीएम तमांग, पीएस गोले भी उन्हें बोल देते हैं, और सिक्किम की जो राजधानी है गंगटोक वो भी रंगीत रिवर पर है, ये भी आप लोग जान लीजिएगा। तो चलिए आगे और देखते हैं कुछ नज़ारे, सिक्किम को हम बोल चुके हैं बाय बाय, और अब हम एंट्री कर चुके हैं कहाँ पर,
वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल यानी दीदी दीदी ओ दीदी ममता बनर्जी के इलाके में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, अब कुछ करेंगे खेला सिला, कहाँ पर सेला, सेलागुड़ी में। तो गाइस आपके सतीन भाई है सतीन्द्र, मिस्टर सतीन्द्र सिंह, तो गुरुजी आपके तो ये क्या करके लाए थे कि भाई गुरु भाई 10,000 रुपये में ट्रिप हो जाएगी यार। वो मैं नहीं मान रहा था, मैं कहा यार अभी खर्चा वर्चा जाए गाड़ी वाड़ी का ये सब, लेकिन मैं चलो 10,000 रुपये में क्या जा रहा, चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं। 7,000 की तो गाइस जाने की उड़ाने की फ्लाइट हो गई, और 3,000 नहीं मैं कह रहा हूँ 3 का आगे 1,000 बढ़ा दो गाइस, 30,000 खर्चा ये बंदा मुझसे करा चुका अब तक। ठीक है, अभी जब मैं बिल के पे करूंगा जब बाकी जब पता, और माँ काली कसम फ्लाइट ठोक ठोक कर ठोक ठोक कर ठोक ठोक करो, शायद कहीं शेयर भी करना है, माँ काली कसम।